हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे बैंक के पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। तो आज हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट। 26 तक क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। हाउ मैनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग रुपीज 5.25 पर केजी। ठीक है, तो मतलब जो ये वाली हाउ मैनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग, मतलब जिस शुगर की कॉस्ट 5.25 पर केजी है तो इसकी क्या पूछी है क्वांटिटी, क्या पूछी है क्वांटिटी पूछी गई है। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया गया। शुड बी मिक्स्ड विद 75 केजी ऑफ चीपर शुगर, कॉस्टिंग कितनी है इसकी 4.25। दो तरह की शुगर है, दो तरह की आपके पास शुगर है। पहली शुगर है 5.25 पर केजी, दूसरी शुगर है 4.25 पर केजी। इसका वेट हमको पता है 75 केजी इतनी है, लेकिन इसका वेट हमको, क्वांटिटी हमको नहीं पता है। इन दोनों को मिक्स किया गया आपस में, ठीक है, मिक्स किया गया। तो सो दैट द मिक्सचर इज वर्थ रुपीज 5.50। तो जब इनका मिक्सचर बना, इन दोनों शुगर का जब मिक्सचर बना, जिसमें एक की कॉस्टिंग 4.25 पर केजी थी, एक की 5.25 पर केजी थी, जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो शुगर की कॉस्ट क्या है 5.50 पर केजी। तो अब हम यहां पे एलिगेशन लगा देते हैं, इससे इसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए 5.50 से 4.25 माइनस करिए तो कितना आएगा 1.25, इधर लिख दीजिए। इसके बाद इन दोनों को आपस में माइनस करिए, तो 5.50 से 5.25 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5.50 से 5.25 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 0.25। अब ये रेशियो में जब इस तरह की क्वांटिटी आ जाए तो आप क्या करो, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप पॉइंट में है किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेशियो है, ठीक है, या तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये थोड़ा सा सिंपल दिखे। तो हमने क्या किया, 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आ गया 25, 4 जो 100 होता है, फिर पॉइंट लगाया तो ये आ गया 1। ये क्या आ गया, जब 125 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5। तो आपको मिल गया 5:1 का रेशियो। मतलब ये वाली जो शुगर थी जिसकी कॉस्ट 5.25 थी, इसकी क्वांटिटी रेशियो में मिली है 5, और जिस शुगर का रेट था 4.25, इसकी क्वांटिटी रेशियो में क्या है 1। 5:1, 5 किसके लिए है इसके लिए, 1 किसके लिए है इसके लिए। तो मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू 75 होगी, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 75 केजी, ठीक। तो अब हमें 5 यूनिट की निकालनी, क्योंकि यहां हमें क्वांटिटी निकालनी थी कि जो शुगर 5.25 पर केजी थी तो उसका वेट कितना था। इसका तो वेट 75 केजी गिवन है, लेकिन इसका वेट नहीं गिवन है, यही हमको निकालना था। तो अब हम 5 का निकाल लेंगे, तो 5 यूनिट का निकालने के लिए क्या करेंगे 75 इंटू 5 करेंगे, 5 जा क्या आ जाएगा 5 जा 25 और 2 कैरी 7 जा 35 36 37। तो हमें क्या मिल गया 375 किलोग्राम। तो हम यहां लिख देंगे 375 किलोग्राम।
तो जो शुगर के रेट 5.25 पर केजी थे उस शुगर की क्वांटिटी 375 केजी थी, और ये वाली शुगर जो 4.25 पर केजी थी ये थी 75 केजी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमें आंसर क्या निकालना था कि जो शुगर का रेट 5.25 पर केजी है उस शुगर की क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी हमने निकाल ली 375 केजी। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोला जा रहा है। टू टाइप्स ऑफ एलॉयज पजेस गोल्ड एंड सिल्वर। एलॉय क्या एक मिश्र धातु है जो गोल्ड और सिल्वर से बनी है। तो ऐसी दो तरह की एलॉय हैं। ठीक है, तो पहली भी गोल्ड और सिल्वर से बनी है, दूसरी भी गोल्ड और सिल्वर से बनी हुई। तो पहले वाली एलॉय में गोल्ड है 1 सिल्वर है 3, दूसरी वाली एलॉय में गोल्ड है 3 सिल्वर है 5। बोला क्या गया है इन व्हाट रेशियो शुड दीज एलॉयज बी मिक्स्ड। इन दोनों एलॉय को किस तरीके से मिक्स किया जाए कि जो नया एलॉय बने उसमें गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो 7:9 एग्जिस्ट हो। ठीक है, तो अब देखिए इसको करने का तरीका। सबसे पहले अगर हम गोल्ड लेके चले, ठीक है, गोल्ड को लेके अगर हम सॉल्व करें तो गोल्ड पहले वाले रेशियो में क्या है 1 है, दूसरे वाले रेशियो में क्या है 3 है। तो 1/4 1+3 4 होता है। ठीक है, इसको करने का तरीका यही है। क्योंकि हम गोल्ड लेके चल रहे हैं तो गोल्ड वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे और इन दोनों का सम अपॉन में लिखेंगे। इसके बाद 3/3+5 8। अब ये जो दोनों जब मिक्स करने के बाद ये हो रही है बन रही है तो इसका क्या रेशियो हो जाएगा 7/ दोनों को प्लस कर दीजिए क्या आ जाएगा 16। ठीक है, अब एलिगेशन लगाइए। अब यहां पे लिखिए 3/8 - 7/16। यहां पे लिखिए 1/4 - 7/16। और इसमें माइनस का साइन नहीं आता, जो भी ये बीच वाली वैल्यू से ये माइनस होके इधर लिख जाता है और ये माइनस होके यहाँ पे लिख जाता है। जो भी बड़ी वैल्यू होगी उससे छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दीजिएगा, वैल्यू माइनस में नहीं लिखी जाती। अब इसको सॉल्व करके देखिए 16 4 4 16 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7। तो यहाँ मिल रहा है -3/16, मतलब इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या मिला 3/16। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे 8 2 16 और 3 2 6 यहाँ पे मिला -1/16। ठीक है, तो क्या क्या दो वैल्यू हमको मिली 3/16 और 1/16। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे रब कर देंगे। कौन सी दो वैल्यू मिली हमको 1/16 और 3/16। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं जिस तरीके से ऊपर लिखा हुआ है 1/16 और 3/16। तो ये जो वैल्यू मिलती है रेशियो में मिलती है। अब हम क्या करें इन दोनों में 16 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा 1:3 का। तो ये जो 1 आया है ये किसके लिए आया है, इधर वाली एलॉय के लिए और ये इधर के लिए। अब कहा क्या जा रहा है कि जो पूछा गया था इन व्हाट रेशियो शुड दीज एलॉय बी मिक्स्ड सो एज टू हैव अ न्यू एलॉय विच गोल्ड एंड सिल्वर वुड एग्जिस्ट इन द रेशियो दिस। तो जो दोनों एलॉय का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:3 का। क्या आएगा 1:3 का। इस रेशियो में हम दोनों एलॉय को क्या करेंगे मिक्स करेंगे। अब अगर हम सिल्वर लेके चलते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर, सिल्वर लेके चलेंगे तो ये 1:3 है तो
थ्री है सिल्वर के लिए तो थ्री अपॉन दोनों का सम फोर, फिर यहां पे लिखेंगे फाइव अपॉन दोनों का सम एट, फिर यहां पे क्या लिखेंगे नाइन अपॉन दोनों का सम सिक्सटीन। अब आप सॉल्व कर लो क्या आएगा, देखिए नाइन अपॉन सिक्सटीन माइनस फाइव अपॉन एट, सॉल्व करिए क्या आएगा, एट टू जा सिक्सटीन और फाइव टू जा टेन, तो क्या मिला वन अपॉन सिक्सटीन। इसको सॉल्व करिए नाइन अपॉन सिक्सटीन माइनस थ्री अपॉन फोर सिक्सटीन, फोर फोर जा सिक्सटीन और फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो ये आया थ्री अपॉन सिक्सटीन। तो वन अपॉन सिक्सटीन रेशियो थ्री अपॉन सिक्सटीन, तो रेशियो अगर सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेशियो क्या मिल गया वन रेशियो थ्री। तो चाहे सिल्वर लेके सॉल्व कर लो चाहे गोल्ड का लेके सॉल्व कर लो, दोनों एलॉय के लिए रेशियो क्या आ रहा है, दोनों की वैल्यू दोनों बार सेम ही आ रही है वन रेशियो थ्री। यहाँ पे भी देख लीजिए वन रेशियो थ्री, ठीक है। ऐसे अगर मिल्क और वाटर मिला है दोनों इसी तरह का क्वेश्चन है सेम, ठीक है, तो उसके लिए भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है और ये जो रेशियो है इनकी कोई भी वैल्यू रेशियो, जैसे हमने थ्री रेशियो फाइव या वन रेशियो थ्री लिया है, इसकी जगह कोई भी बड़ी वैल्यू भी हो सकती है छोटी वैल्यू भी हो सकती है। हमने यहाँ पे आपको मेथड सिखाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।